वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट बाजार। हम बात कर रहे हैं मार्केट्स की, इस बार नजर डालते हैं और 11,000 के लेवल्स पर इंटरेस्टिंगली यहीं पर ही टिका हुआ है निफ्टी, 70 पॉइंट डाउन। आज बिकवाली की बात चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली का दिन है रैली, बिकॉज वहीं पर हम देख रहे हैं 11,000 पे निफ्टी है। मेटल शेयर्स में गिरावट है, ऑटो सेक्टर में गिरावट है, ये सब। और बैंक निफ्टी की भी आप देखिए, 100 अंक फिलहाल नीचे, 27,270 के लेवल्स के करीब। कैसा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस वक्त मार्केट में, उस पर हम बात करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समित चौहान फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग। समित, गुड आफ्टरनून। क्या करना चाहिए इस वक्त, 11,000 के लेवल्स पर निफ्टी है और प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन है और सिनेरियो है, तो क्या लेवल्स ट्रैक करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? चौहान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बात करके जानते हैं कि क्या करना भी इंडेक्स पे। नीलेश शाह होंगे, टीना गडोडिया हमारे साथ होंगे, चंदन तापाड़िया होंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। समित, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। अभी क्या किया जाए, ये छोटा मोटा सेल ऑफ है मार्केट के अंदर, एडजस्टमेंट हो रहा है या फिर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं 11,200 के आसपास? निफ्टी डिम्पी, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। देखिए, पांच दिनों से निफ्टी ने एक अच्छा खासा रिकवरी लो लेवल से देखा था, हीवी वेट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी वापस 11,000 के आसपास आया। बट हमें यह मानना है कि 11,000 लास्ट 4-5 महीने का एक हाई था और लास्ट 3-4 ओकेजन पे जब भी हम 11,000 के आसपास आए थे वहां से हमने अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा है। इस बार वो कन्विंसिंगली ब्रीच किया हुआ है, तो हमें लगता है कि अभी इमीडिएटली जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट करके उभर के आएगा। पुट राइटर्स भी देखे तो काफी ज्यादा लास्ट 2-3 दिनों से एक्टिव है, तो 10,950 ये हमें लगता है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे ये डिप आई है, ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल होगा, तो यहाँ पे 10,940 के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी की जा सकती है। 10,150 का हमारा इमीडिएट निफ्टी के लिए टारगेट रहेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 940 के नीचे नहीं जाएगा बाजार, ठीक है। पर नीलेश से पता कर लेते हैं उनका व्यू क्या है इंडेक्स को लेकर। नीलेश, शुक्रिया समय देने के लिए। 11,000 को बचाने की मार्केट कोशिश तो कर रहा है, ये महज एक प्रॉफिट का शेयर है अगर आप इसको देख पाए तो, और इसका कामकाजी मुनाफा भी बढ़ा है, वो भी करीब 35-36 करोड़ रुपए के आसपास का है। मुनाफा बढ़कर 17 से 25 करोड़ हो गया, नंबर तो ठीक है। 26 रुपए का भाव चल रहा है कंपनी का, भी क्या किया जाए? लास्ट 2-3 साल से ये स्टॉक ने कुछ ज्यादा किया नहीं है, इनफैक्ट कंटिन्यूस ये करेक्ट हो रहा है 110 के लेवल से। 2 दिनों में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देख रहे हैं, रिकवरी देख रहे हैं, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था तो उसके चलते थोड़ा बहुत इसमें बाउंस बैक आ सकता है। विद नियर टर्म व्यू 28-28.50 का इसको एक काफी स्ट्रांग पड़ाव रहेगा, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करते आपको नियर टर्म में भी कोई एक स्ट्रेंथ आते हुए स्टॉक में नहीं दिखेगी। ठीक है, फिलहाल इमीडिएट एक रिएक्शन जो होता है ना नंबर्स का, सिर्फ वही देखने को मिल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल अभी उतना स्ट्रांग नहीं है कि एकदम से आप इसमें कहें कि कूद के खरीदारी करें और आज इसको ले लें। हाँ, नंबर्स का जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं तो इस टाइप का सभी का। पहले तो जरा ऑप्शन ट्रेड पे मैं आपसे रणनीति जानना चाहता हूं, ये 11 तारीख से जब वीकली ऑप्शन शुरू हो रहे हैं निफ्टी के, ये कितना फायदा होगा और किस तरह के निवेशकों को इसमें आना चाहिए? हो रहा है जिस हिसाब से आप देखोगे बैंक निफ्टी में काफी इंक्रीजिंग मोमेंटम देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं सिमिलर स्ट्रेटेजी। प्लीज प्लीज समित बोलिए। देखिए टिम्पी, बैंक निफ्टी में भी हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ देखा था, ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आप मंथली ऑप्शंस के देखते हो तो प्रीमियम काफी ज्यादा रहता है, तो ये प्योरली मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए है। और अभी हम फिर रेंज थोड़ी और छोटी होते हुए देखेंगे मार्केट में, जैसे बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि लास्ट 2 दिन में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी रहती है, तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ निफ्टी में भी आपको लास्ट 2 दिन में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देगी। बट ये स्पेसिफिकली मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए रहेगा जो 4 से 5 दिन के नजरिए से निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। ठीक है, समित आपके ट्रेड कौन से होंगे? देखिए बजाज फाइनेंस एक बाय साइड पे रहेगा जिसने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है, 1-2 दिन से थोड़ा शांत है ये, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं इसमें लोअर लेवल से वापस बाइंग आएगी।
2898 का टारगेट रहेगा, 2620 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा बाय हैवल्स जो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और डिस्पाइट दोनों मार्केट करेक्शन ये स्टॉक ने एक स्टेडी आउट परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, तो हैवल्स बाय करने की सलाह होगी। 774 टारगेट, 728 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, हैवल्स करना बाय और बजाज फाइनेंस करना बाय, दो ऐसे शेयर है जिसपे आप खरीदारी कर सकते हैं। समय शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप मृत्युंजय।